बरेली के थाना हाफिजगंज के रिठौरा वार्ड नंबर 8 निवासी लेखपाल सुरेंद्र भगवान दास और नन्हे के परिवार वाले दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए शिकायत की है कि उक्त स्थान पर वो लोग लगभग 50 सालों से रह रहे हैं। उनके दादा परदादा भी वहीं रहते थे। पीड़ितों ने बताया कि वो झोपड़ियों पर पन्नी डालकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन बुधवार को वहाँ स्थित कॉलेज प्रशासन द्वारा उस जगह को अपना बताकर झोपड़ियों पर जेसीबी चलवा दी गई, जिससे उन सभी के सिर से सहारा हट गया है। जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए पीड़ितों ने सर छुपाने के लिए झोपड़ियां बरकरार रखने की मांग की है। बबली, इसलिए आए हैं यहाँ पर, क्या मामला? हम इन सब मांगने आए हैं। हुआ क्या, कोई बात नहीं। हमारे घर पे उन्हें पुलिस वालों ने तोड़ फोड़ करी, लेडीज पुलिस आई, बिल्डोजर चलाई, सौदा फेंकी, फिर गाली गलौज कर लाए और कह रहे हिंसा खाली करो, हमें ये जगह चाहिए। उनने तो रिश्वत खवा दी, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम कहां से लाएं, हम गरीब लोग हैं, हमें कल से रोड पे कर दिया, हम बाली बच्चे लेके भूखे प्यासे रोड पे पड़े हैं, अब कहां जाएं हम? हम इंसान मांगते हैं, हमें रहने तक जगह दो। हम 54 साल से रह रहे हैं, हम कैसे चले यहां से अपना घर छोड़ के? 54 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। लगभग परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग होंगे? एक अंदाजा बता दो। 30-35 लोग होंगे परिवार में हमारे। बच्चे हमारे 5-6 बच्चे हैं सब परिवार में।